अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, या रहमतल लिल आलमीन, या रऊफ या रहीम। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने सूरत फातिहा के मज़ामीन पढ़े थे, तो आज हम पढ़ेंगे सूरत फातिहा से मुतल्लिक शरई मसाइल। नमाज में सूरत फातिहा पढ़ना वाजिब है। इमाम और तन्हा नमाज पढ़ने वाला अपनी ज़बान से सूरत फातिहा पढ़ेगा, जबकि मुक्तदी इमाम के पीछे खामोश रहेगा और जहरी नमाज में इसकी करात भी सुनेगा, और इसका यही अमल पढ़ने के हुक्म में है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में तलावत के वक्त मुक्तदी को खामोश रहने और करात सुनने का हुक्म देते हुए अरशाद फरमाया, वाइज़ा कुरी अल कुरान फस्तमीउ लहु व अंसितु लअल्लकुम तुरहमून। और जब कुरान पढ़ा जाए तो इसे गौर से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इमाम करात करे तो तुम खामोश रहो। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स का कोई इमाम हो तो इमाम का पढ़ना ही मुक्तदी का पढ़ना है। अहादीस में इमाम के पीछे मुक्तदी के खामोश रहने के बारे में बयान किया गया है। इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मनाजरा। इमामुल फ़ख्रुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मदीना मुनव्वरा के चंद उल्मा इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास इस गर्ज़ से आए कि वो इमाम के पीछे मुक्तदी की करात करने के मामले में इनसे मनाजरा करें। इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनसे फरमाया, सबसे मनाजरा करना मेरे लिए मुमकिन नहीं, आप ऐसा करें कि मनाजरे का मामला इसके सुपुर्द कर दें जो आप सबसे ज़्यादा इल्म वाला है, ताकि मैं इसके साथ मनाजरा करूँ। इन्होंने एक आलिम की तरफ इशारा किया तो इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क्या ये तुम सबसे ज़्यादा इल्म वाला है? इन्होंने जवाब दिया, हाँ। इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क्या मेरा इसके साथ मनाजरा करना तुम सबके साथ मनाजरा करने की तरह है? इन्होंने कहा, हाँ। इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इसके खिलाफ जो दलाइल कायम होगी वो गोया के तुम्हारे खिलाफ कायम होगी। इस उन्होंने जवाब दिया, हाँ। इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर मैं इसके साथ मनाजरा करूं और दलील में इस पर गालिब आ जाऊं तो वो दलाइल तुम पर भी लाजिम होगी। इन्होंने कहा, हाँ। इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरहमत किया, वो दलाइल तुम पर कैसे लाजिम होगी? इन्होंने जवाब दिया, इसलिए कि हम इसे अपना इमाम बनाने पर राजी हैं तो इसकी बात हमारी बात होगी। इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हम भी तो यही कहते हैं कि जब हमने एक शख्स को नमाज में अपना इमाम मान लिया तो इसका किरात करना हमारा किरात करना है और वो हमारी तरफ से नायब है। इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये बात सुनकर सब ने इकरार कर लिया कि इमाम के पीछे मुक्तदी किरात नहीं करेगा। नमाज जनाजा में ख़ास दुआ याद ना हो तो दुआ की नीयत से सूरत फातिहा पढ़ना जायज़ है, जबकि किरात की नीयत से पढ़ना जायज़ नहीं। या हय्यू या क्यूम।